हेडिंग डालिए चैप्टर 20, ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अध्याय 20। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल ठीक से समझ लिया। याद करते रहना, बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको सामने बुलवा के पूछूंगा कि ट्रायल समझाओ, और वो ट्रायल आपको समझाना आना चाहिए, और दो ट्रायल्स में डिफरेंशिएट करना भी आपको आना चाहिए कि ट्रायल्स में अंतर क्या है। तो समन्स ट्रायल कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? ये स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 251 में, कहाँ, और ये जा रहे हैं सेक्शन 259 तक, ठीक है। फिर समन्स ट्रायल कौन से मामले में होते हैं? ये समन्स केस में समन ट्रायल होते हैं। कौन से मैटर में? समन्स केसेस में। समन्स केसेस हैं क्या? वही जो वारंट केसेस नहीं है, सेक्शन 2W में डिफाइन किए गए हैं। और ये कौन से वाले मैटर हैं? विच इज नॉट पनिशेबल विथ 2 ईयर और मोर इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट, इनमें से पनिशेबल न हो तो ये कहलाता है समन्स केस। इसके अलावा अगर ऐसा पनिशेबल हो तो वो कहलाता है वारंट केस। मतलब एक लाइन में अगर बात समझें तो 2 साल से कम की सजा वाला अपराध समन्स केस कहलाएगा, ठीक, समन्स केस। अच्छा, जब हम बात करते हैं, एक बात और समझना, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। समन्स केस का मतलब हम समझते हैं कंप्लेंट वाला केस। तो समन्स केस में FIR भी हो सकती है, समन्स केस में कंप्लेंट भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, इस बात को ध्यान में रखना। FIR होगा नहीं होगा, इसका लेना देना किससे है? कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल से। कॉग्निजेबल में FIR होगा, नॉन कॉग्निजेबल में कंप्लेंट होगा, लेकिन कॉग्निजेबल में भी कंप्लेंट हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो समन मामला कैसा मामला है, पहले आपको ध्यान रखना है। समन मामला ऐसा मामला है जो छोटा मोटा मामला है, मतलब ये कि 2 साल से कम की सजा वाला मामला, नंबर वन। दूसरा, समन मामले में FIR होगा या कंप्लेंट होगी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको यह भी समझना चाहिए। क्योंकि समन्स केस का नेचर 2 तरह से हो सकता है, यह हो सकता है कॉग्निजेबल हो, यह हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल। फिर इसके 2 और नेचर हो सकते हैं, हो सकता है ये कंपाउंडेबल हो सकता है ये नॉन कंपाउंडेबल हो। फिर इसके 2 नेचर और हो सकते हैं, हो सकता है ये बेलेबल हो सकता है नॉन बेलेबल हो, ठीक है। तो इस समन्स केस है, छोटा मोटा है, इसका मतलब ये तय नहीं होता कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ऐसा कुछ भी इससे तय नहीं होता, इस बात को आपको जानना चाहिए, क्लियर है, इस बात को माइंड में रखना तो काम हो जाएगा। तो जब समन्स केस स्टार्ट होता है तो स्टेज नंबर 1, पहला स्टेप आप इसमें लिखें, स्टेप 1 क्या है? तो सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, लिखें आप सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन, 251 में आएगा, हिंदी में लिखिए अभियोग की सार सूचना अभियुक्त को देना, सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। सीधे इसकी शुरुआत यहीं से होगी, अभियोग की सार सूचना अभियुक्त को देना। ब्रैकेट में आप लिखिए नो फॉर्मल चार्जेस टू बी फ्रेम्ड, नो फॉर्मल चार्जेस टू बी फ्रेम्ड, आरोपों का तय किया जाना आवश्यक नहीं है, या हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखिए विरचित, आरोपों का विरचन आवश्यक नहीं है। मींस आपके सामने जब कभी भी मैटर आया, मैटर कैसे आएगा? फिर मैटर 2 तरीके से आएगा, या तो पुलिस रिपोर्ट से आपके पास आई होगी या कंप्लेंट से आपके पास आई होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैंने बताया दोनों हो सकता है, इसमें पुलिस रिपोर्ट भी हो सकती है और कंप्लेंट भी हो सकता है। कंप्लेंट हुआ है तो मामला आपके पास आया होगा, और पुलिस रिपोर्ट हुई है तो पुलिस की रिपोर्ट आपके पास 173 की रिपोर्ट आई होगी। दोनों में से जो भी मैटर है तो आपको करना क्या है, अक्यूज को बुलाना है पहले अपने सामने में, और उसको बताना है कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें आई हैं। तो कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर हुआ? वही 200 वाले में, या पुलिस रिपोर्ट कहाँ पर आई? वही 173 में। तो अक्यूज यहाँ पर में, क्योंकि मैटर बहुत छोटा सा है, 6 महीने के अपराध वाला होगा, या हो सकता है केवल फाइन से पनिशेबल हो, तो आपने उसको, अगर मान लेते हैं फाइन से ही पनिशेबल है, तुम्हारे पास एक सेक्शन आता है 206 धारा 206 रेडवे सेक्शन 253, अभी मैं आता हूँ उस पर, तो उसमें आप अक्यूज को जो समन्स भेजते हैं उसमें ही डिटेल लिखकर भेज देते हैं,
कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने फलां फलां ऑफेंस किया है, जैसे एग्जांपल दे दो 154 आईपीसी का ऑफेंस है, उसमें लिखा होगा 500 रुपए का जुर्माना आपको जमा करना है, ये अपराध आपके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब अक्यूज एक काम क्या कर सकता है कि बाई लेटर पत्र ही भेज देगी कि हाँ श्रीमान मैं स्वीकार करता हूँ ऐसा ऐसा हुआ है, आई एम रेडी टू प्लीड माई गिल्ट, और ये रहे 500 रुपए आपको मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, राखी खरीद लेना, ऐसा वो लिखकर भेज दे, तो वहीं आप कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट कर देते हैं। कहां पर मैं? सेक्शन 252 में, धारा 252 में। 251 में क्या किया? अक्यूजेशन स्टेप नंबर 2 में जाएंगे हम। तो 252 आपने अक्यूजेशन बताया उसको कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस हैं, और चार्जेस बताने के बाद पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है, आर यू रेडी टू प्लीड योर गिल्ट, क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, आर यू रेडी कि आपने ऐसा ऐसा किया है, और वो कहता है हाँ मैंने ऐसा किया है, तो सीधे कन्विक्शन आएगा। क्या आएगा? कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट सेक्शन 252 में। धारा 252 कहती है कि आप उसे दोष सिद्ध कर देंगे कन्विक्शन पर, और 252 का संबंध है जबकि वो आपके सामने आया है कौन, अक्यूज्ड, और आपने उसको अक्यूजेशन स्टेट किया है। लेकिन अगर अपराध ऐसा है जिसको सेक्शन 206 में पेटी ऑफेंस कहा है, क्या कहा है? छोट, कौन सी धारा में? 206 में, जिसकी डेफिनेशन दी गई है, कौन सा अपराध है जो 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय है, ऐसा वाला है, तो आप उसको पत्र में ही लिखकर भेज देते हो, समन्स में ही लिखा हुआ रहेगा कि देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट यू दैट यू हैव कमिटेड ब्ला ब्ला ऑफेंस, अपीयर बिफोर द कोर्ट बाय प्लीडर और बाय अदरवाइज एंड सबमिट द अमाउंट ऑफ फाइन, ऐसा लिख करके आप भेजते हैं। तो 203 में, 206 का लेना देना 253 से, याद रखना। वो अपने घर से ही प्लीड कर लेता है गिल्ट, जहां पर है वहीं से पत्र लिख करके बाय मैसेंजर, पत्रवाहक संदेशवाहक को भेज देगा, बाय प्लीडर अधिवक्ता के माध्यम से, या अपने किसी दोस्त को भेज देगा, बोलेगा तू चले जा फ्री है तू आजकल, तो वो जाएगा और क्या कहेगा, फाइन जमा कर देगा। तो 253 में भी क्या है, कन्विक्शन है, आप जानकारी रख लें। तो यहां पर मैं इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिख दो कन्विक्शन, और यहां पर कर सकते हो आप ऑन प्ली अभिवाक पर, और यहां कर दो इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस, छोटे मामलों में, ये दोनों ही सेक्शन में कन्विक्शन की कहानी है, आप इसे लिख लें ऑन प्ली अभिवाक पर। अभिवाक का मतलब होता है जब वो खुद स्वीकार कर लेता है, अभिवाक शब्द जो है हिंदी में उसका मतलब है अभी स्वीकृति, अपराध को करने की गई स्वीकृति, प्ली ऑफ गिल्ट एक शब्द हमारे पास में है, और दूसरा पेटी ऑफेंसेस में, जिसका लेना देना 206 से है। लिखिए पेटी ऑफेंस, वहां लिख लो ऐसा अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है और जो 1000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय है, नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1000, ऐसी कहानी आप लिख लें तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलें आगे। अगर ये स्टेप नंबर 3 में जाते हैं, अगर प्ली नहीं कर रहा, इन दोनों में से कोई सेक्शन नहीं अप्लीकेबल हो रहा, देन प्रोसीडिंग, तो लिखिए प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, अगर दोष सिद्ध नहीं कर रहा है तो प्रक्रिया 254 में आएगी। 254 में आप जाएं, जहां पर मैं दोषी नहीं ठहराया जा रहा, तो आप क्या करेंगे, आगे प्रोसिक्यूशन विटनेस को मौका देंगे अपना विटनेस रखने के लिए, उसके बाद डिफेंस विटनेस को मौका देंगे कि अपना विटनेस रखे, वो दोनों साक्षियों को देखेंगे, और साक्षियों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि अपराध बन रहा है तो सीधे आप क्या करेंगे, कॉन्विक्शन कर देंगे, और अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ पर अक्विटल कर देंगे, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्णय आ जाएगा 255 में, धारा 255 में। और यहाँ ट्रायल जो है, प्रोसीडिंग, प्रक्रिया यहां पर में खत्म हो जाएगी हमारी 255 में आकर के इस स्टेज पर। रिपीट कर दूं वापस एक बार, समझा दूं क्या क्या हुआ। पहली बात तो ये कि समन्स केस क्या है, आपको समझ में आया, समन्स केस में, समन्स केस का नाम समन्स केस क्यों है, कई बार ऐसा आपको पूछा जाता है, और इसका रीजन मैंने बताया था, बिकॉज इन सच केसेस समन्स कैन बी इश्यूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो न्यायालय है वो आपको समन जारी करता है, या बीइंग अ कोर्ट आप समन जारी करते हो। मामला आप तक कैसे पहुंचेगा, मैजिस्ट्रेट तक कैसे पहुंचेगा, तो ये एफआईआर से पहुंचेगा या कंप्लेंट से पहुंचेगा, जैसे भी पहुंचा हो, जैसे वारंट ट्रायल में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मामला कोर्ट तक कैसे आया, अगर ये कंप्लेंट से आया है तो प्रोसीडिंग 244 से स्टार्ट होती है, अगर ये पुलिस रिपोर्ट से आई है तो 238 से स्टार्ट होती है। अरे ऐसे ही था ना, याद है कि नहीं है,
लेकिन समन्स केस में कोर्ट तक कैसे भी पहुंचा हो मामला, मींस कंप्लेंट से पहुंचा हो या एफआईआर से पहुंचा हो, शुरुआत इसकी यहीं से होती है। अक्यूज्ड आपके सामने जब प्रेजेंट होगा, जैसे ही अभियुक्त आएगा, उसको सब्सटेंस ऑफ द मैटर सुनाएंगे। सब्सटेंस ऑफ द मैटर सुनाने का मतलब ये है कि मामला कैसे, कौन सा मामला है और कौन से आरोप लगाए गए हैं। ये सब्सटेंस ऑफ द मैटर मैंने बताया, फिर दो तरीके से सुनाए जाते हैं। छोटे वाले मैटर में लिखकर ही भेज देते हैं, बड़े वाले मैटर में बोलकर सुनाते हैं। छोटा मैटर कौन सा है, विच इज़ पनिशेबल ओनली विद फाइन विच इज़ नॉट एक्सीडिंग ₹1,000, उसमें आपने पत्र लिखकर बताया। और दोनों में ही एक बात होती है कि आर यू रेडी टू प्लीड योर गिल्ट, क्या वो आदमी अपने दोष को स्वीकार करने को तैयार है। अगर हाँ है तो 252 में कन्विक्शन आएगा, जब सामने आपने बोलकर सुनाया है। ना है तो वो कहाँ जाएगा, ट्रायल में। अभी ट्रायल यहाँ सिंगल स्टेज का ट्रायल है, यहाँ पर ट्रायल यहाँ स्टार्ट हो रहा है। समन्स ट्रायल बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम कहते हैं। अगर हाँ है तो क्या कह रहा है वो, यस अपने गिल्ट को प्ली कर रहा है वो, और ऑन सच प्ली आप 252 में कन्विक्ट कर रहे हैं। अगर पत्र लिख करके पूछा है, समन्स में आपने डिटेल भेजा है, तो लेटर से ही क्या करेगा वो, गिल्ट प्ली करेगा और आप कन्विक्ट कर दोगे सेक्शन 253 में, दोष सिद्धि का निर्णय पारित करोगे। अगर वो कहता है कि नहीं वो डिफेंस में जाना चाहता है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों ही जगह वो डिफेंस में, ₹1,000 के लिए भी डिफेंस में उतर सकता है वो, कितने रुपए के लिए, और अगर वकील है तो उतरेगा ही उतरेगा, और डिपेंड करता है समन्स गया किसको है। तो कई सारे वकील होते हैं, कौन से वाले वकील, वो वाले जिनके पास केसेस नहीं है, सोचते हैं चलो यही प्रैक्टिकल करके आते हैं, ट्रायल देख कर आते हैं कैसे ट्रायल होता है, तो आप कम से कम ट्रायल में उतर सकोगे। मैक्सिमम क्या सजा होगी यहाँ, 1,000 का जुर्माना, मतलब आप कोर्ट में उल्टा पुल्टा कुछ भी कराओ तो कितनी सजा होगी। तो बेटर क्या है, आओ प्रोसीडिंग देखाएं, कहां तक लड़ सकते हैं, तारीख पर तारीख कितनी ले सकते हैं, तो वहां प्रोसीडिंग में आप जाएंगे। प्रोसीडिंग में क्या होगा, अब यहां पर मैं फॉर्मल चार्जेस नहीं फ्रेम होते हैं, ध्यान से समझना, प्रोसीडिंग में क्या होती है आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। फॉर्मल चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, बट आपको प्रोसिक्यूशन ने जो आपको जो कंप्लेनेंट आया था वो आपने, उसने आपको एविडेंस विटनेसेस की लिस्ट दी थी, या पुलिस रिपोर्ट आई थी तो विटनेसेस के स्टेटमेंट भी है, लिस्ट दोनों ही आपके पास में है। इस स्टेज पे जाके आप प्रोसिक्यूशन विटनेस को पहले सुनते हैं, तो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट विटनेसेस के एग्जामिनेशन हो गए हैं क्या। अगर महत्वपूर्ण साक्षियों की परीक्षा हो गई है और उसके बाद आप उसे छोड़ते हो तो ये अक्विटल का जजमेंट कहलाता है, और महत्वपूर्ण साक्षियों की परीक्षा नहीं हुई है बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट विटनेस, अगर आप उसे छोड़ते हो तो डिस्चार्ज कहलाता है। ये समन प्रोसीडिंग का नियम है। वारंट में क्या होगा, चार्जेस फ्रेम करने के बाद छोड़ेंगे तो अक्विटल है, चार्जेस फ्रेम करने के पहले छोड़ेंगे तो डिस्चार्ज है। समन्स में क्या है, ये डिसाइड होता है इंपॉर्टेंट विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इंपॉर्टेंट विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो गया है तो जब कभी जजमेंट आएगा वो कन्विक्शन और अक्विटल का होगा। और वो स्टेज कहाँ से आती है, वो लास्ट स्टेज है 255 में। ये जो प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट विटनेसेस के एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, फिर सिमिलरली डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, जैसा हम वारंट और सेशन ट्रायल में कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। आगे समझ में बात, लिखिए कुछ काम की बातें और एक बार सेक्शंस में चलिए, फिर समरी ट्रायल समझाता हूँ। कुछ एंसिलरी सेक्शंस भी हैं इसके बाद में, 256, 57, 58, एक बार बैरक में आ जाइए तो भी कुछ काम की चीजें हम देख लें। 256, 57, 58, 59 ये वाले सेक्शंस एंसिलरी प्रोविजंस हम इन्हें कहते हैं, आनुषांगिक कुछ और बातें विच इज़ रिलेटेड टू समन्स ट्रायल, जिनका संबंध समन विचारण से है। काम की बातें हैं बहुत आपकी, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। इसमें से एक 256 ये हम पढ़ चुके और समझ चुके थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद भी होगा, कुछ मुझे वापस से नहीं समझाना है। 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेन, ये भी हम पहले 2-3 बार बात कर चुके हैं, इसमें आपको बस अंडरलाइन करने की ज़रूरत ये है कि कंप्लेनेंट at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. So, jab kabhi charges, jab kabhi mamla wapas lena ho, to aap ise underline kar lein, aur hum kahenge ki wo doshmukt kiya jayega. अब कब दोषमुक्ति होगी, कब उन्मोचन होगा, डिस्चार्ज और अक्विटल में जो दो शब्द बता रहा था वो डिफ्रेंशिएट किया है 258 में। तो 258 से इस बात को आप अंडरलाइन कर लें। लिखा है, इफ एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन अपॉन अ पुलिस कंप्लेन,
मैंने बताया था ये दोनों ही तरह से हो सकता है, कंप्लेंट पर भी आ सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी आ सकता है। तो अगर ये कंप्लेंट से अलावा आया है, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर आया है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जेएमएफसी कर सकता है। और जेएमएफसी कब करेगा, जबकि प्रीवियस सेंक्शन है, पूर्व मंजूरी मिली हुई है। तो मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, निर्णय सुनाए जाने के पहले कभी भी मामले को रोक सकता है। वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस, ये जो महत्वपूर्ण साक्षी है, प्रिंसिपल विटनेस है, मुख्य साक्षी, इंपॉर्टेंट विटनेसेस जो हैं, जिन पर कि पूरा केस रिलाई कर रहा है, अगर इनका विटनेस होने के पहले किया जाता है, इनका एग्जामिनेशन होने के पहले किया जाता है तो जजमेंट हम कहेंगे, सॉरी आफ्टर, बाद में किया जाता है तो हम कहेंगे अक्विटल हुआ। और लिखा है इन एनी अदर केस रिलीज द अक्यूज्ड इन सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, एग्जामिनेशन के बाद होता है तो अक्विटल है, और एनी अदर केस मतलब एग्जामिनेशन के पहले करता है तो वो डिस्चार्ज है। इसे अंडरलाइन कर लें। और ये पावर दे रखा है जेएमएफसी को, कभी भी किसी कार्यवाही को वो रोक सकता है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अगर जजमेंट अक्विटल का है तो वापस से फिर से नए चार्जेस लेकर के मामला नहीं चलाया जाएगा, अगर ये डिस्चार्ज है तो मामला चलाया जा सकता है, आप इस बात को जानकारी में रख लें। एक डॉक्ट्रिन है हमारे पास में डबल जेपार्डी का, उस पर ये अप्लीकेबल होता है। एक सेक्शन 300 में डॉक्ट्रिन है, एक बार 300 में आइए और 300 के सबसेक्शन 5 को मेरे साथ रीड करिए। लिखा है पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258, जिसे धारा 258 में उन्मोचित किया गया, मिला डिस्चार्ज कौन हुआ है, वही जो प्रिंसिपल विटनेस होने के पहले रिलीज किया गया है, ध्यान रखना 258 का रेफरेंस यहां पर में है। लिखा है अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 शैल नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वॉज डिस्चार्ज और ऑफ एनी अदर कोर्ट टू विच द फर्स्ट मेंशन कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। तो लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज करने के बाद फिर से ट्रायल हो सकता है, विचारण हो सकता है, ये डबल जेपार्डी का उल्लंघन नहीं है, ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या लिखी, अंडरलाइन करना, लिखा है कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वॉज डिस्चार्ज, उस न्यायालय की सहमति चाहिए जिसने उसको उन्मोचित किया है, और एनी अदर कोर्ट विच द फर्स्ट मेंशन कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या उसके सुपीरियर, उसके बॉस का परमिशन चाहिए, डीजे साहब, सीजेएम साहब का, तो ही ट्रायल होगा। इस बात को अंडरलाइन कर लेना और ये 258 में ही लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाई पड़ जाएगा किसकी पूर्व मंजूरी चाहिए, ठीक। और शब्द क्या है डिस्चार्ज, ध्यान रखना अक्विटल के बाद नो न्यू ट्रायल शैल कमेंस, अगर दोष मुक्ति का निर्णय है तो नया विचारण नहीं हो सकता, लिख लीजिए 258 में। और जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स में बड़े शब्दों में लिख लेना। रिपीट करूं वापस से, लिखिए इफ द जजमेंट इज वन ऑफ द अक्विटल नो न्यू ट्रायल शैल टेक प्लेस, यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो नया विचारण नहीं हो सकता। और दूसरा लिख लीजिए इफ द जजमेंट इज ऑफ डिस्चार्ज, यदि उन्मोचन का निर्णय है, धारा 300 की उपधारा 5 लागू होगी, देन सेक्शन 300 सबसेक्शन 5 शैल बी एप्लीकेबल। 305 लागू होगा, इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना। और 300 की धारा 5 क्या कह रही है आपको याद होगा, कंसेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट और हिज सुपीरियर कोर्ट, इट्स सुपीरियर कोर्ट। चलूं आगे 259, अगर हम बात करते हैं समन्स ट्रायल से हमारे प्री एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो 251 से बन सकता है, 256, 257, 258, 259 से बन सकता है। बाकी ये जो समझा, यहां से कहीं क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 251 से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनता है कहां कौन से मामलों में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करना जरूरी नहीं है। लिखा है समन मामलों में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करना जरूरी नहीं है, एक तो वहां से क्वेश्चन बना, दूसरा परिवाद को कौन वापस ले सकता है, हु शैल विदड्रॉ द कंप्लेंट, तो कौन ले सकता है, कंप्लेनेंट, कौन ले सकता है, कंप्लेनेंट ले सकता है। फिर पूछता है कंप्लेंट वापस लेने का इंपैक्ट, व्हाट शैल बी द इंपैक्ट ऑफ विदड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, परिवाद वापस लेने का प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति, क्या शब्दावली है, अक्विटल।
फिर क्वेश्चन पूछा जाता है हु मे स्टॉप द प्रोसीडिंग इन समन्स केसेस, जेएमएफसी एंड जेएमएफसी इफ प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द सीजेएम इज अक्वायर्ड बाय हिम। सीजेएम साहब की अगर पूर्व अनुमति मिली हुई है तो कोई दूसरा मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। कब क्या हो सकता है, तो लिखा है मुख्य साक्षियों प्रिंसिपल विटनेसेस जो हैं उनके एग्जामिनेशन कर लेने के बाद अगर ऐसा हो रहा है, कार्यवाही को रोकी जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट होगा अक्विटल। अगर प्रिंसिपल विटनेस के एग्जामिनेशन के पहले छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब है डिस्चार्ज। 259 देखिए, लिखा है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केसेस इनटू वारंट केस। कब किसी समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है, तो कौन बदल सकता है, ट्रायल कोर्ट, विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट। कौन से मामले को, ऐसा मामला जहां 6 माह से ज्यादा का पनिशमेंट दिया जा सकता है। लिखा है व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ अ समन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स। अंडरलाइन कर लो, 6 माह से ज्यादा के कारावास वाले अपराध में ऐसा होगा। इट अपियर्स टू द मैजिस्ट्रेट, कौन सा मैजिस्ट्रेट है ये, ट्रायल कोर्ट, जेएमएफसी साहब हैं ये, लिखो विचारणीय दंडाधिकारी जो ट्रायल कर रहा है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। सच मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहेयर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस एंड मे रिकॉल द विटनेसेस। बार बार विटनेसेस को बुला सकते हैं। तो इसमें से दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं, पहला कौन से मामले को, कब समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है, व्हेन अ समन्स केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट वन। उसका एक ही रीजन है, 6 माह से अधिक की सजा वाला अपराध, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट। कौन सा कोर्ट कर सकता है, ट्रायल कोर्ट, मजिस्ट्रेट हु इज ट्राइंग द पर्टिकुलर केस, वो न्यायालय जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंडरलाइन करना, इन पॉइंट्स को लिखना, भूल ना जाना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ बातें और लिखो, मैं लिखवा दूं आपको, लिखो स्टेट वर्सेस वीरप्पन 1980, स्टेट बनाम वीरप्पन। लिखना वेयर समन्स हैव बीन इश्यूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, जब साक्ष्य की उपस्थिति के लिए समन जारी कर दिया जाता हो, कर दिया गया हो, व्हेन समन्स हैव बीन इश्यूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर दिया गया हो, बट द प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रोड्यूस द एविडेंस, लेकिन अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता हो, the acquittal of accused on this ground is not permissible, केवल इसी आधार पर अभियुक्त की दोष मुक्ति अनुज्ञेय नहीं होगी, only on this ground is not permissible, केवल इसी आधार पर अभियुक्त की दोष मुक्ति अनुज्ञेय नहीं होगी। तो क्या चाहिए अक्विटल के लिए, ध्यान रखना, क्रिमिनल केसेस में अक्विटल के लिए चाहिए द केस मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल डाउट्स इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, अभियुक्त के फेवर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मामला साबित किया जाना चाहिए। स्टेट बनाम मूछ वाला वीरप्पन, स्टेट ऑफ कर्नाटका है। लिखो महेश प्रसाद वर्सेज महावीर सिंह 1960, महावीर सिंह 1960। लिखो In a summons case, 3 courses are open to the magistrate. In a summons case, 3 courses are open to the magistrate where the complainant is absent. समन मामलों में परिवादी की अनुपस्थिति पर न्यायालय 3 तरह से कदम उठा सकता है। 3 courses are open to the magistrate where the complainant is absent. परिवादी की अनुपस्थिति पर न्यायालय 3 कदम उठा सकता है। पहला, टू अक्विट द अक्यूज्ड, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दे। दूसरा, टू अर्जेंट द केस फॉर अ फ्यूचर डेट, मामले को भविष्य की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दे। तीसरा, टू डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ अ कंप्लेनेंट,
टू डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसीड विद द केस। परिवादी की उपस्थिति, परिवादी को उपस्थिति से छूट दे दे और सुनवाई जारी रखे। लेकिन इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, मतलब जैसा करना है करे। लिखना रामास्वामी वर्सेस गोपाला, गोपालन 1983, रामास्वामी बनाम गोपालन, राम और गोपाल दोनों, प्रदीप को छोड़ दिया, रामास्वामी वर्सेस गोपाल 1983। लिखना द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लॉयर मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द मैजिस्ट्रेट। The presence or absence of the lawyer may be taken into account by the magistrate. न्यायालय को अधिवक्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को ख्याल में रखना चाहिए। When he is deciding when to adjourn the case or not, जब वह मामले के स्थगन करने या न करने का आदेश देना चाहते हों। When he is deciding whether to adjourn the case or not, जब वो मामले को स्थगित या स्थगित करने या नहीं करने का निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन in the case of रामास्वामी, रामास्वामी के मामले में on the date of the argument, बहस की तारीख को both the complainant and his counsel remained absent, परिवादी और उसका अधिवक्ता दोनों ही अनुपस्थित थे। बोथ द कंप्लेनेंट एंड हिज काउंसिल रिमेन्ड एब्सेंट, परिवादी और उसका अधिवक्ता दोनों ही अनुपस्थित थे। एंड द अक्यूज्ड वर एक्विटेड ऑन दिस ग्राउंड, और इसी कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। द ऑर्डर वॉज वैलिड, निर्णय या आदेश वैध था। वैलिड लिखो गणेश नारायण साठे 1889, कहाँ गणेश भी है बताओ यार। गणेश नारायण साठे का मामला लिखना, इट वॉज हेल्ड दैट केस इज टू बी सेड विड्रॉन, मामला वापस लिया गया कहा जाता है। 257 को डिफाइन किया है इसमें, धारा 257 को, विड्रॉन मामला वापस लिया गया कहा जाता है। वेयर देयर इज नो कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड, जब अभियुक्त की कोई सहमति नहीं हो। एंड अ केस इज सेट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, और मामले में समझौता हो गया है कहा जाता है। And the case is said to be compromised, मामले में समझौता हो गया है कहा जाता है। If it is withdrawn with the consent of the accused, जब यह अभियुक्त की सहमति से वापस लिया गया हो। If it is withdrawn with the consent of the accused, इसमें ही लिखना एक पॉइंट और बनाकर, it is discretionary power of the magistrate, यह मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति है कि टू परमिट द कंप्लेनेंट टू विथड्रॉ हिज कंप्लेन और नॉट, कि परिवादी को मामला वापस करने की, मामला वापस लेने की अनुमति दे या नहीं, कि परिवादी को मामला वापस लेने दे या नहीं, कि परिवादी को मामला वापस लेने दे या नहीं।